आज की जो इस क्लास में हम लोग क्लास करेंगे, क्लास 12th बायोलॉजी का मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का क्लास करेंगे, जो आप लोग के फाइनल एग्जाम बोर्ड के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बार बार पूछे जाते हैं। तो इसलिए आप सभी जितने भी स्टूडेंट हैं, अगर 2024 में फाइनल एग्जाम बोर्ड का एग्जाम देना चाहते हैं, तो यह क्लास को आप सभी स्टूडेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इस क्लास को आप लोग अच्छे से हर एक क्वेश्चन को मेरे साथ साथ याद करने की कोशिश जरूर कीजिएगा, ठीक है दोस्तों। तो चलिए हम लोग जो क्लास है उसको शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखने से पहले हम लोग क्या करते हैं, तो जो भी स्टूडेंट अगर चैनल से नए जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा दोस्तों, ताकि ऐसे ही आने वाली क्लासेस का नोटिफिकेशन आप लोग तक मिलते रहे। और फ्री पीडीएफ लेने के लिए आप लोग टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो जाइएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग का फर्स्ट क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन जंतु उभयलिंगी है, कि कौन सा जो जंतु है वो उभयलिंगी है, तो उभयलिंगी जंतु का नाम बताना है। तो वो कौन हो जाएगा, क्या वो फीताकृमी हो जाएगा, या फिर केचुआ हो जाएगा, घरेलू मक्खी हो जाएगी, या फिर जोंक हो जाएगा। यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाया गया है, आप लोग को क्या करना, अच्छे से इसका राइट आंसर बता देना है। इसके लिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो वो घरेलू मक्खी हो जाएगी, यानी कि राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी जो इसके लिए एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग स्क्रीन पे ये रहा, यहाँ पे क्या है, द्विगुणित है, यानी कि जो बताने कि कौन जो है डिप्लॉयड है, तो द्विगुणित कौन सा रचना है, तो युग्मनज जो है डिप्लॉयड है, यानी कि राइट आंसर जो इसके लिए डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग स्क्रीन पे ये रहा, क्वेश्चन क्या हम लोग यहाँ पे, अंडप्रजक है, ये बताना जो है कौन अंडे देता है, तो अंडप्रजक कौन हो जाएगा, तो मुर्गी जो अंडे देती है, सांप भी अंडे देता है, और मगरमच्छ भी अंडे देता है, यानी कि राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। राइट आंसर जो इसके लिए डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग स्क्रीन पे ये रहा, निम्न में से कौन उभयलिंगी स्त्रीय पादप नहीं है, बताना कि कौन सा जो है उभयलिंगी स्त्रीय पादप नहीं है, ये बताना है हम लोग को। इसके लिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो पपीता जो है उभयलिंगी स्त्रीय नहीं है, यानी कि राइट आंसर इसके लिए ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग स्क्रीन पे ये रहा, क्वेश्चन क्या हम लोग यहाँ पे, युग्मक के निर्माण को कहते हैं, युग्मक के निर्माण को क्या कहते हैं, युग्मक के जो निर्माण को हम लोग कहते हैं गैमेटोजेनेसिस कहते हैं, क्या कहते हैं, गैमेटोजेनेसिस कहते हैं, यानी कि युग्मक जनन कहते हैं। राइट आंसर जो इसके लिए ए हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से याद कर लीजिएगा, और एग्जाम में क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं, तो आप लोग का इसे अच्छे से क्या हो जाएगा, रिवीजन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। निम्न में से कौन एक लिंगी है, ये पता नहीं कि एक लिंगी कौन है, तो एक लिंगी जो है एक पपीता है, ठीक है दोस्तों, यहाँ पे एक लिंगी जो है पपीता हो जाएगा। राइट आंसर जो इसके लिए सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग स्क्रीन पे ये रहा, लिखा है किसमें आंतरिक निषेचन होता है, ये पता नहीं, जो अंदर निषेचन होता है, जो अंदर फर्टिलाइजेशन होता है, किसमें होता है, तो किसमें होता है, तो वो जो होता है आवृतबीजी में होता है, किसमें होता है, आवृतबीजी में होता है, यानी कि राइट आंसर जो इसके लिए डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग स्क्रीन पे ये रहा, क्वेश्चन क्या हम लोग का, मानव युग्मक में गुणसूत्र की संख्या होती है, जो मानव युग्मक होते हैं उसमें गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है, तो उसमें जो गुणसूत्र की संख्या होती है वो 23 हो जाती है, कितनी होती है, 23 हो जाती है, यानी कि राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी जो इसके लिए एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग स्क्रीन पे ये रहा, इनमें से कौन एक लिंगी नहीं है, ये बताना कि एक लिंगी कौन नहीं है, तो एक लिंगी जो नहीं है वो केचुआ हो जाएगा, यानी कि राइट आंसर जो इसके लिए डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग स्क्रीन पे ये रहा, क्वेश्चन क्या हम लोग का, युग्मक के संचयन को कहते हैं, तो युग्मक के संचयन को क्या कहते हैं, तो युग्मक के जो संचयन को कहते हैं हम लोग सिनगैमी कहते हैं, यानी कि राइट आंसर जो इसके लिए बी हो जाएगा। तो क्लास आप लोगों को कैसी लगी आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए, क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।